मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी। 113 बी दहेज मृत्यु से संबंधित जो है साक्ष्य के लिए रिलेवेंट कैसे माना जाएगा। माननीय कोर्ट के द्वारा जो साक्ष्य अधिनियम की धारा उसमें उदाहरण की जा सकती है, तो वो जो माननीय कोर्ट के द्वारा कैसे वो जो साक्ष्य ग्रहण किए जाएंगे, तो 113 बी में प्रावधान किया गया है दहेज मृत्यु से संबंधित। अगर किसी भी महिला को क्रूरता के जरिए या दहेज से संबंधित शारीरिक मानसिक क्रूरता के संबंध में परेशान करके उसको दहेज के लिए प्रताड़ित अगर किया जाता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो माननीय जो कोर्ट है एविडेंस एक्ट की धारा 113 बी में प्रावधान किया गया, उसके तहत साक्ष्यों को उपधारणा करके रिलीवेंट माना जा सकता है। इसमें इसका प्रावधान किया गया है 113 बी में दहेज से संबंधित मृत्यु के बारे में। दहेज मृत्यु का जो मुख्य रूप से परिभाषा डेफिनेशन जो दिया गया है वो IPC की धारा 304 बी के संबंध के अनुसार ही इसमें माना जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।